हेलो दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज गुरुजी पर। इस वीडियो में हम जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का इंसर्ट मेन्यू डिस्कस करने। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम विंडो के साथ आर दबाते हैं और यहां पर लिखते हैं एस राइटर। एस राइटर लिख के हम एंटर करेंगे या ओके करेंगे तो लिब्रे ऑफिस का राइटर आपके सामने ओपन होगा। जब ये इस तरह से ओपन हो जाता है तो अब यहाँ पे हमें इंसर्ट मेनू से वर्क करना है। पहले होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए पहले डीटी लिख के F3 जब करेंगे ना हम यहाँ से, तो हमारे पास लिखा लिखा या टेक्स्ट आपका आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से बीच में कहीं कर्सर रख लेना है। बीच में कर्सर रख के जब इंसर्ट पे आएंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो आधा मीटर तो यहाँ आ जाएगा अगले पेज पे और आधा मीटर जो था वो ऊपर रह जाएगा। आप चाहे तो कंट्रोल एंटर करेंगे तब भी वही होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, पेज ब्रेक करने से ये फायदा होता है कि मान लीजिए इधर हमने क्या किया ना, इधर सिलेक्शन किया, सेलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट में जब आके कॉलम करेंगे चेंज और लगा देंगे दो कॉलम। ओके करने के साथ देखिए यहाँ पे तो ये डबल कॉलम हो गया है, क्या नीचे डबल कॉलम होगा? नहीं हुआ। मतलब ब्रेक करने से ये होता है कि ऊपर वाला मैटर अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है जी, फिर इंसर्ट में आपका आता है मोर ब्रेक। मोर ब्रेक में देखिए आता है मैनुअल ब्रेक और कॉलम ब्रेक। पहले मैनुअल ब्रेक करते हैं। मैनुअल ब्रेक करेंगे तो बस एक लाइन ये मैटर नीचे आ जाएगा। अब हम चाहते हैं इसको कॉलम देना, तो इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आइएगा और कॉलम पे कर दीजिएगा क्लिक। जैसे क्लिक करके डबल कॉलम हम लगाते हैं ना, देख सकते हैं कि केवल ऊपर वाला पैराग्राफ में कॉलम लगा, नीचे वाले में नहीं लगा। अब सबको ही हम हटा देते हैं, हम फॉर्मेट में आ जाएं। फॉर्मेट में आके कॉलम पे करें क्लिक और दो कॉलम लगा दें, कर दे ओके। इससे क्या होगा, पेज आपका दो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। और इधर पहले आप लिखेंगे, जब तक ये भरेगा नहीं तब तक दूसरे कॉलम में आपका कंटेंट जाएगा नहीं, आप कितना भी इधर क्लिक कर लेंगे नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं बिना इस कॉलम को कंप्लीट किए दूसरे कॉलम में चले जाएं, तो उसके लिए हमें इंसर्ट में आना होगा। मोर ब्रेक में मिलेगा आपका कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक करते ही क्या होगा, आपका कर्सर दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कर सकते हैं। फॉर्मेट में आके फिर से हम कॉलम को वन कर देते हैं। इंसर्ट में अगला होता है इमेजेस। इमेजेस का प्रयोग किया जाता है फोटोज को ऐड करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्लिक इसके ऊपर करना होगा हमें, और क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे जहां पे हमने फोटोज वगैरह रखे होंगे। मान लीजिए थंब्स में आ जाते हैं, ये हमारे पास एक फोटो है जिसको कर देते हैं ओपन। ये इमेज यहाँ पे आपकी ऐड हो जाती है, इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं, बाकी कहीं पे भी इसको प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर इंसर्ट में आता है चार्ट। चार्ट क्या होता है, तो पहले ही बताया जा चुका होगा कि किसी भी डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चार्ट के नाम से जाना जाता है। अब चार्ट बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले एक टेबल आप बना लीजिए। तो मान लीजिए लिखा नेम और लिखा सैलरी। नेम में नाम डाल देना है, सैलरी डाल देनी है, अब करना क्या है कि पूरा का पूरा डेटा इकट्ठे सेलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट में जब आके चार्ट पे करेंगे क्लिक तो हमारे सामने बॉक्स आएगा, कर कैसा चार्ट बनाना है आपको। तो मान लीजिए हम पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। करेक्ट, टाइटल क्या देंगे, सैलरी रिपोर्ट। ठीक है, सब टाइटल देना हो तो दीजिए, नहीं तो फिनिश पे कर दीजिए क्लिक। ये आपका देख लीजिए चार्ट बन गया। इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू हो वो बड़ा से यहाँ इधर दिखाएगा, और जिसकी छोटी वैल्यू होगी वो दिखाएगा इधर कम। अब इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट डेटा लेबल पे जब क्लिक कर देते हैं तो जितनी जितनी वैल्यू होगी सब यहाँ पे ही आ जाएगी। ये हो जाता है आपका चार्ट। फिर इंसर्ट में आ जाते हैं तो मीडिया मिलता है। मीडिया में देखिए गैलरी है, गैलरी पे जब क्लिक करेंगे
तो एमएस ऑफिस में जैसे पहले क्लिप आर्ट होते थे ना, यहाँ पे कुछ बने से बने बनाए सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसमें जो भी हमें सही लगेगा हम यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे क्लिप आर्ट वहां हुआ करता था, उसी का ये रिप्लेसमेंट हो जाता है। इसको ड्रैग करके लाके यहाँ छोड़ेंगे, ये ग्राफिक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसका गैलरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में हम आ जाते हैं, तो मीडिया में दूसरा मिलेगा स्कैन। स्कैन का प्रयोग तब करते हैं जब स्कैनर हमारे में लगा हुआ हो। स्कैनर कंप्यूटर में नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ऑडियो वीडियो पे आ जाते हैं। ऑडियो वीडियो पे जब क्लिक करेंगे तो ये खोजेगा कहाँ पे वीडियो है कहाँ पे ऑडियो है, ठीक है। तो देखिए डी में आते हैं हम, रिकॉर्डिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ पे ये वीडियोज मिल रहे हैं अपने को, इसको लेना है, ओपन पे कर देना है क्लिक। ऐसे ऑडियो भी वहां से ऐड कर सकते हैं। अरे ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता, अगर सपोर्टेड फॉर्मेट होता तो ये ले लेते, देखते हैं कहाँ और मिल जाता है, अगर तो ऐड कराने का प्रयास करेंगे जो फॉर्मेट इसको सपोर्ट कर रहा हो। MP4 वगैरह होगा तो सपोर्ट कर लेगा, MKV है सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको। मोस्टली सारी फाइलें MKV ही हैं, ठीक है। चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ऐड हो जाएगा तो बस क्लिक करेंगे, वो वीडियो आपका प्ले भी हो जाएगा, ठीक है जी। इंसर्ट में आपको OLE ऑब्जेक्ट आता है। OLE ऑब्जेक्ट में पहला होता है फॉर्मूला ऑब्जेक्ट। जैसे मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला में डिजाइन करना हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे ये इस तरह से आएगा। मान लीजिए हमें ये वाला लगाना है इधर, तो ऊपर वाले में हम क्लिक करके लिखेंगे 1 और नीचे वाले में क्लिक करके लिखेंगे 2 और बाहर क्लिक कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 1/2। तो ऐसे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट वन इसी में आ जाता है काम का ऑप्शन, जिसका नाम है QR एंड बारकोड ऑब्जेक्ट। QR या बारकोड जब कभी भी लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको बनाना होगा तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा QR एंड बारकोड। इस पे करेंगे जब क्लिक, क्लिक करने के साथ साथ ये कह रहा है कि टेक्स्ट या URL क्या होना चाहिए। तो मैं मान लीजिए मेरा नाम दे देता हूँ, और मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। QR बनाना है, क्या बनाना है, तो QR ही कोड बनाना चाहते हैं, कर देंगे ओके। ये देखिए QR आ गया। अब अपने मोबाइल के QR स्कैनर से जब इसको सर्च करेंगे ना, तो जो उसमें मैंने डाला था वो दिखाई देगा। और यहीं पे अगर बार कोड बनाना होता तो यहाँ पे आते QR एंड बार कोड वाले पे कर देते क्लिक, और यहाँ से उठाते हैं क्या, पहले बार कोड और उसके बाद जो नंबर यहाँ पे डाला जाता, ठीक है। ओके करने के बाद देख सकते हैं उसका बार कोड यहाँ पे आपका ये बन के चला आता। जब कभी भी QR या बारकोड बनाना होगा तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर इंसर्ट से आ जाते हैं OLE ऑब्जेक्ट पे। OLE ऑब्जेक्ट खुद होगा, इसका प्रयोग करते हैं दूसरी फाइल से या दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा ऐड करने के लिए। क्रिएट न्यू में जैसे पहले आ जाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे मिल जाता है चार्ट, कर देते हैं ओके। तो अलग से एक चार्ट का मैटर खुलेगा। अब उसके बाद करना क्या है, आ जाएंगे हम डेटा रेंज में। देखिए लिब्रे ऑफिस की ही प्रॉब्लम ही बार बार क्रैश कर जाता है, ठीक है। ठीक है, इंसर्ट के फिर शेप में आ जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की शेप को लिब्रे ऑफिस राइटर में ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे लाइन बनानी होगी तो ये सब लाइन वगैरह है, बेसिक शेप बनाना होगा तो है, फ्लो चार्ट बनाना होगा, कॉल आउट शेप बनानी होगी, सिंबल शेप में आ जाते हैं। सिंबल शेप में हार्ट का सिंबल है, इसको हम बना लेते हैं यहाँ से। कलर वगैरह करना होगा तो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। और इसकी आउटलाइन वगैरह सेट करनी होगी तो आउटलाइन की कलर यहाँ से सेट कर लिए जाते हैं, ठीक है। आउटलाइन की मोटाई अगर सेट करनी है तो यहाँ से कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं शेप और उसको कलर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंसर्ट में हम आते हैं। तो इंसर्ट में शेप के बाद मिलता है सेक्शन। हम चाहते हैं कि अपने पेज पे कुछ सेक्शन वगैरह डिजाइन करें तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि ये इतना अलग सेक्शन बन जाए। इंसर्ट में आएंगे, सेक्शन पे हम कर देंगे क्लिक, ठीक
ठीक है, सेक्शन का कोई नाम हम देना चाहते थे नाम दे दीजिए, ठीक है, इंसर्ट पे कर दीजिएगा क्लिक, ये अलग सेक्शन हो गया, ये अलग सेक्शन हो गया, ठीक है। एक बार इसको पैराग्राफ लगा के देखते हैं, तो फॉर्मेट में हम आ जाएंगे, कॉलम सॉरी कॉलम लगा के देखते हैं, कॉलम पे आके डबल कॉलम करेंगे, करेंगे ओके। देखिए इतने पे केवल प्रभावी डाला, इधर नहीं डाल रहा है क्योंकि वो अलग सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर इंसर्ट में हम आ जाते हैं, इंसर्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ये दूसरी फाइलों से टेक्स्ट ऐड करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। मान लीजिए यही हमारे पास फाइल है जिसका मैटर हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो कर देंगे हम ओपन, कर रीडिंग एरर है, तो सुनो एक काम करते हैं, विंडो के साथ आर दबाते हैं, यहाँ पे खोलते हैं नोट पैड, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ कुछ कंटेंट टाइप किए, कंट्रोल एस से इस फाइल को हम सेव कर देंगे, वो भी कहाँ, डेस्कटॉप पे, ठीक है। मैन नाम से फाइल को सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो गई, इसको बंद कर देते हैं। अब यही हम चाहते हैं कि सीधे हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में ऐड हो जाए, तो उसके लिए कर्सर कहीं नीचे को रखना, ठीक है, इंसर्ट में आएंगे क्योंकि उसी का टेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है, तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे आ जाना, डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे हमारी फाइल मिलेगी, ये रही, लेके कर देंगे ओपन, और देख सकते हैं उसका टेक्स्ट आपका अपने यहाँ पे आ जाएगा। फिर इंसर्ट में आते हैं, तो इंसर्ट में मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, देखिए एक ऐसा बॉक्स ऐसे बना लें जिसमें केवल लिखेंगे तो उसके बाहर ये कोई कंटेंट नहीं डालेगा, इसी को कहा जाता है क्या, टेक्स्ट बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जिसके बाहर ना लिखा है केवल उसके अंदर लिखा है, वही टेक्स्ट बॉक्स आपका होता है। देखिए उसके ऊपर लिखा रहा है, कमेंट क्या होता है, तो जो भी टेक्स्ट वगैरह आपने लिखा होगा उसी से रिलेटेड आपका होता है ये कमेंट। कमेंट के लिए क्या करना है कि पहले आपको लिखना है, उसमें कुछ एक वर्ड्स वगैरह सिलेक्ट कर लेने हैं, इंसर्ट में जब आएंगे तो कमेंट पे करेंगे क्लिक, इसका अलग से सेक्शन खुलेगा साइड में, अब उस सब से रिलेटेड उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह देने के लिए इसका हम प्रयोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो कमेंट को यहीं से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा। फिर आता है फ्रेम, ठीक है, फ्रेम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो एक काम करिए इतना मैटर कर लीजिए नीचे, हाँ मैटर नीचे करने के बाद इसका करिए सिलेक्शन, इंसर्ट में आएंगे तो फ्रेम का प्रयोग करके हम फ्रेम बना सकते हैं, तो फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है, और ये नीचे वाला फ्रेम पे क्लिक कर देते हैं, कर कितनी विड्थ का फ्रेम बनाना है, चलो ठीक है जितना उतना ही का बनाते हैं, या आप देखिए ये फ्रेम बन गया और मैटर हमारा उस फ्रेम के अंदर जाके प्लेस हो गया, इस फ्रेम को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये कुछ कुछ लाइक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही है, ठीक है। तो कोई कंटेंट है जिसके चारों तरफ आपको फ्रेमिंग करनी है तो उसके लिए प्रयोग कर सकते हो आप फ्रेम का, चलो हटाते हैं इसको। इंसर्ट में आते हैं फॉन्ट वर्क, एमएस वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपको वर्ड आर्ट मिलती है, वर्ड आर्ट की जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है फॉन्ट वर्क, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें काफी कलरफुल आपके कंटेंट दिखाई देंगे, कोई एक लेके हम कर देते हैं ओके। अब इसमें एडिट कैसे होगा कंटेंट, इस पर डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करके जब इसको हम मिटाते हैं ना तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, बाहर क्लिक करेंगे आपका इस तरह से ये आ जाएगा, तो ये हो जाता है आपका फॉन्ट वर्क। फिर इंसर्ट में आ जाते हैं, कैप्शन मिलता है, कैप्शन कैसे काम करेगा, तो उसके लिए पहले फोटो ऐड करनी होगी, फोटो में अक्सर देखा होगा फोटो के नीचे जो उसका नाम होता है उसी को कैप्शन कहा जाता है, पहले हम क्या करते हैं फोटो ऐड कर लेते हैं, इधर फोटो आपकी इस तरह से ऐड हो गई है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि इसका नाम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फोटो सेलेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में मिलेगा कैप्शन, कर देंगे क्लिक, कैप्शन क्या है, एयरसेल का वो लोगो है, तो मैं लिख दिया एयरसेल लोगो, ठीक है, कर देंगे ओके, तो एयरसेल लोगो यहाँ पे लिखा हुआ ही आ जाएगा, इसी को कहा जाता है क्या, कैप्शन, ठीक है। अब कर्सर देखिए नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका विकल्प होता है कि एडिट में आओ, डायरेक्ट कर्सर मूव करके इधर कहीं क्लिक कर दो, अपने आप कर्सर नीचे आ जाएगा, कर्सर मोड को फिर क्या करो, ऑफ कर दो, ठीक है।
इंसर्ट पे फिर आगे मिलता है आपको, देखिए कैप्शन था ना, हाइपरलिंक मिलती है। हाइपरलिंक क्या है, देखिए हम चाहते हैं कि ये जो मैटर है ना, इस पे क्लिक करें तो दूसरी फाइल खुले, इसको लिंकअप करना पड़ेगा दूसरी फाइल से। सिलेक्शन कर लिया टेक्स्ट का, इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक या कंट्रोल के दबाया, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट, और ये है इसकी ओपन फाइल। अगर किससे आप इसको लिंकअप करना चाहते हो, तो लिंकअप हम मान लीजिए करना चाहते हैं और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा इस फाइल से और कर देते हैं ओपन। अब ओके करने से काम हमारा हो जाएगा और ये लिंक बन जाएगा। कंट्रोल दबा के इस पे करना होगा आपको क्लिक, और जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा, आपकी नोटपैड वाली फाइल खुलेगी। कंट्रोल दबा के फिर से एक बार ट्राई करिएगा, यही नोटपैड की फाइल थी जो लिंक हुई थी उसमें, ठीक है। तो एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, हाइपरलिंक का। अगला है बुकमार्क। बुकमार्क कैसे आप कर सकते हो, देखो सबसे पहले खूब ढेर सारे मैटर आप लिख डालिए, तो DT F3, फिर DT F3, एक काम करो इसको सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते चलिए ये मैटर आ जाएगा। अब मान लीजिए ये गांधी जी से रिलेटेड मैटर था, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको गांधी जी के नाम से इंसर्ट में आएंगे, बुकमार्क में आएंगे और गांधी के नाम से सेव कर देंगे, ठीक है, इंसर्ट पे करेंगे क्लिक। फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम, ये सिलेक्शन हमने किया, इंसर्ट में आ गए, बुकमार्क में आ गए। मान लीजिए ये नेहरू जी के बारे में था, हमने इसको भी क्या किया, इंसर्ट में कर दिया क्लिक। अब टीचर ने बोला था कि ये दो मैटर एग्जाम में जरूर आएंगे, तो यही डायरेक्ट जाके अपने को पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क फिर से खोलेंगे, ठीक है, और गांधी जी के बारे में पढ़ना होगा तो यहाँ सिलेक्शन करके कर देंगे गो टू, नेहरू जी के बारे में पढ़ना होगा सिलेक्शन करके कर देंगे गो टू। तो बुकमार्क बेसिकली होता क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको मार्किंग करके यहाँ रख दिया जाता है, और जब कभी भी फ्यूचर में वहां पे डायरेक्ट पहुंचना होगा तो उसके लिए बुकमार्क का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या है, देखो समझो, जैसे गाइड बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जैसे मान लीजिए भारत का इतिहास दे दिया 3-4 पेज में, तो कहीं शिवाजी महाराणा प्रताप के बारे में भी बताया गया होगा। अब आगे चल के जब शॉर्ट नोट्स आते हैं तो उस वहां पे लिख देता कि शिवाजी के बारे में विस्तार से लिखिए, तो भारत के इतिहास में जब एक बार शिवाजी लिख दिए गए हैं तो दोबारा नहीं लिखते हैं, वो सब लिख देते हैं कि सी द पेज नंबर 5, 5 नंबर पेज पे जाके देख लो कहाँ पे शिवाजी के बारे में लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो हमने क्या किया है यहाँ पे ना, एयरसेल का लोगो लगा दिया, अब नीचे कहीं जरूरत पड़ रही है कि एयरसेल का फिर से लोगो चाहिए, सी एयरसेल लोगो। अब इसमें है ना कि या तो हम लोगो ही लगा दें, या तो ये काम करें इंसर्ट में आए, क्रॉस रेफरेंस में आए, ठीक है, हमने क्या बनाया था, फिगर बनाया था, ठीक है, और फिगर में क्या था, एयरसेल लोगो था। तो चाहे तो हम पेज नंबर लगा सकते हैं, अब पेज नंबर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी इसके कैप्शन टेक्स्ट दे देंगे तो आ जाएगा। चलो ठीक है, पेज नंबर ही लगा देते हैं, इंसर्ट पे करेंगे क्लिक, क्लोज पे कर देंगे क्लिक। अब देखिए ये जो 1 है, एयरसेल का लोगो मांग रहा था, मैं लिख दूं सी द पेज नंबर 1। अभी जो 1 है ना, इस पे जब हम क्लिक करेंगे सीधे जहां पे भी एयरसेल का लोगो होगा ये सीधे वहीं पहुंचा देगा, इसी चीज को कहा जाता है क्या, क्रॉस रेफरेंस। इंसर्ट में फिर से आ जाइए, अब आपको मिलेगा स्पेशल कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो कीबोर्ड से टाइप नहीं किए जा सकते वो प्रिंट किए जाते हैं कहाँ से, स्पेशल कैरेक्टर में जाके। अब स्पेशल कैरेक्टर में यहाँ पे फॉन्ट होती है, जहाँ पे बेबडिंग्स विंगडिंग्स करके सिंबल वाले फॉन्ट होते हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी जो सिंबल आपको अच्छा लगता है लेके इंसर्ट कर दीजिए, आपका यहाँ पे पेज पे दिख सकते हैं आ जाएगा, ठीक है, फॉन्ट यहाँ से बदल दीजिएगा नहीं तो आपको भी दिक्कत होगी। फिर इंसर्ट की बात करते हैं, तो इंसर्ट में आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, बस इसका इतना ही यूज है। फिर इंसर्ट में आ जाइए, फुटनोट और एंड नोट की बात करते हैं।
कंटेंट हमारे पास पड़ा हुआ हो, ठीक है, अब जैसे हम चाहते हैं इसको पेज के एकदम लास्ट में जाके एक्सप्लेन किया जाए, तो इंसर्ट में हम आएंगे, यहाँ पे एंड नोट फुट नोट में मिलेगा फुट नोट, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ब्रीज का मतलब क्या होता है पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। अब इसके वन पे हम जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुंचा देगा, और फिर इसके वन पे हम क्लिक करेंगे तो फुट नोट एरिया में पहुंच जाएंगे, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे कैरेक्टर कह रहा है कि फुट नोट का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, तो कैरेक्टर में भी आप आ सकते हो, चूज में आ सकते हो, उसकी जगह पे कैरेक्टर क्या ही यूज करना है आप यहाँ से ले सकते हो। एक फॉन्ट हम ले लेते हैं विंगडिंग्स, ठीक है, उसकी जगह पे हम चाहते हैं ये यूज हो, लेके कर दो ओके, और फिर कर दो ओके। देखिए यहाँ सिंबल ये बन गया, और वो सिंबल यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। वैसे हिंदी वगैरह के कैरेक्टर होंगे तो हिंदी वगैरह के कैरेक्टर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जस्ट लाइक एंड नोट होता उसी तरह से आपका फुट नोट तो वैसे एंड नोट भी होगा। एंड नोट बस क्या होगा कि आपका पेज पे नहीं अगले पेज पे जाके ऐड होता है। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार। अब जैसे हमारे पास एक मैटर है जिसे हमें डिसअपियर्ड के बारे में हमें समझाना है, तो सिलेक्शन करेंगे डिसअपियर्ड का, इंसर्ट में आएंगे, एंड नोट फुट नोट पे आके एंड नोट पे कर देंगे क्लिक, देख लीजिए अगले पेज पे आ गए, और डिसअपीयर्ड का क्या मतलब होता है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। फिर अगला आ जाता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, ये काफी बेहतरीन फीचर होता है टेबल ऑफ कंटेंट, इसको हम करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले हम सारा मैटर खत्म कर दिए आगे पहले पेज पे, अब यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर दीजिए और पहले पेज को खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सचिन, ठीक है, और सचिन के बारे में फिर यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। फिर अगले पेज पे हम चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे विराट, ठीक है, और फिर यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। फिर हमने लिखा धोनी, इसका कंटेंट हो गया। अब करना क्या, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से आएंगे हेडिंग वन, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर वहीं से आएंगे हेडिंग वन, फिर यहां सिलेक्शन करिएगा, यहां से आके हेडिंग वन, सब पे हमने हेडिंग वन हेडिंग वन हेडिंग वन कर दिया, टू भी लगा सकते थे। अब पहले पेज पे आके हम करेंगे क्लिक, इंसर्ट से आ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे, और टेबल ऑफ कंटेंट पे हम कर देते हैं क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं कह रहा है टेबल ऑफ कंटेंट क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ दे दे रहे हैं, क्रिकेटर्स नेम, ठीक है, और उसके बाद कर देते हैं ओके। तो आप देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये जस्ट लाइक इंडेक्स होता है जो बुक में, उसी तरह का होता है जहाँ पे चैप्टर का नाम किस पेज पे वो दिखाता है। अब कंट्रोल दबा के जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो सीधे ही वहां पहुंचाने का भी काम करेगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर इंसर्ट में हम आ जाते हैं, पेज नंबर पे करते हैं क्लिक, लेकिन ऐसे नहीं क्लिक करना, पहले हेडर फुटर सेक्शन में चले जाना, ठीक है। हेडर फुटर सेक्शन में कैसे आते हैं, देखिए इंसर्ट में जब आएंगे तो हेडर एंड फुटर मिलेगा, हेडर मिलेगा, और डिफॉल्ट पेज स्टाइल पे कर देना क्लिक। अब देखिए हेडर सेक्शन में आ गए हैं, इंसर्ट पे जब आके पेज नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो अपने आप पेज नंबर यहाँ आ जाएगा, और ये पेज नंबर ऐसा है कि अगले पेज पे दो हो भी जाएगा, ठीक है, कंट्रोल इंटर करके गए थे नीचे वाले पे। फिर आती है फील्ड, विभिन्न प्रकार की फील्ड ऐड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे भी मुझे टाइम चाहिए ना तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डेट चाहिए तो डेट भी आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है हेडर एंड फुटर। हेडर देखिए वो मैटर होता है जो डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देता है, तो हेडर कैसे लगेगा यहाँ से आ जाते हैं, डिफॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक कर देते हैं, फिलहाल तो ये हेडर हटाएगा जो पिछला वाला लगा था, फिर से करते हैं। इंसर्ट में आ जाएंगे हेडर एंड फुटर पे, हेडर में आएंगे और यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे हम मान लीजिए दे देते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक, ठीक है, बीच में क्लिक कर देंगे, ये लग गया हेडर। और उसी तरह पेज में जो सबसे नीचे दिखाई दे वो फुटर होता है, तो फुटर के में आएंगे डिफॉल्ट पेज स्टाइल पे कर देंगे क्लिक, और यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक्स, बीच में कर देंगे क्लिक। अब देखिए पहले पेज पे तो ऐसे दिख रहा था,
दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है, चौथे पे भी, हर पेज पे ऊपर नीचे आपके मैटर दिखेगा। तो जो पेज पे एकदम ऊपर दिखे वो हेडर है और जो नीचे दिखे वो फुटर है। इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चा एनवलप कैसे यूज करते हैं, तो एनवलप मीन्स होता है लिफाफा। राइटर में बैठे बैठे हम एनवलप की डिजाइनिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब इंसर्ट में जब एनवलप पे हम आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक एड्रेस डालना पड़ेगा कि कौन भेज रहा है और कौन पाएगा। तो ये मेरा एड्रेस होगा क्योंकि मैं भेज रहा हूँ, सॉरी, ये जिसको पाना है उसका एड्रेस होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जिसको भेजेंगे और ये जो भेजेगा उसका एड्रेस। अब उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इस तरह से ये लिफाफे की डिजाइन आ जाएगी। अब इसको इसी साइज के लिफाफे पे प्रिंट कर देंगे, आराम से आपका लिफाफा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सिग्नेचर लाइन होती है। तो सिग्नेचर लाइन में जो भी यहाँ पे नाम डालना होगा आप नाम डाल दीजिएगा, पोस्ट वोस्ट क्या है इसका डाल दीजिएगा, उसके बाद कर देंगे ओके। सिग्नेचर जिसमें होता नीचे ऐड किया जाता है उस तरह का आपका यहाँ भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका इंसर्ट। बाकी अगले वीडियो में हम फॉर्मेट मेनू के बारे में डिस्कशन करेंगे।